हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मल्टीमैक्स टीवी चैनल और मैं हूं रजा कुरैशी। आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल के बारे में। वो लोग जो नया चैनल बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या बना चुके हैं और अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। मैं भी 3 चैनल रन कर रहा हूँ, जिसमें एक ये चैनल है मल्टीमैक्स टीवी चैनल, इसके अलावा एक मेडिसिन इंफॉर्मेशन के नाम से, और एक मेरे अजीज़ दोस्त हैं मुफ्ती इश्तियाक साहब, उनका इस्लामिक चैनल भी मैं चला रहा हूँ। लेकिन जो गलतियाँ मैंने की हैं चैनल बनाते हुए या चैनल रन करते हुए, मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग जो अभी चैनल बना के यूट्यूब से अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग ये गलतियाँ ना करें और प्रॉपर तरीके से चैनल बना के उसको रन करें, ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका यूट्यूब चैनल इस काबिल हो जाए कि आप उससे कुछ पैसे भी कमा सकें। जाहिर सी बात है, जब बंदा मेहनत करता है तो उसका सिला भी चाहता है। तो यहाँ पे जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका सिला यही है कि आपको YouTube से अर्निंग हो। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जब भी आप चैनल बनाएं तो कंटेंट एक रखें और कोशिश करें कि क्रिएशन आपकी अपनी हो, या अगर आप कहीं से लेते हैं तो वो चीज़ ओरिजिनल हो और कहीं से आप कॉपी ना करें। कोशिश किया करें आपके अपने अंदर जो टैलेंट है वो जाहिर करें, वो शो करें और उसके मुताबिक वीडियो बनाएं। या आपका मतलब जो भी शोबा है, जैसा मेरा काम है मेडिसिन का, अभी आप देख रहे हैं मैं अभी भी क्लिनिक में बैठा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी मेरे माइंड में आया कि आप लोगों से मैं ये वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ये हमारा इस वक्त क्लिनिक टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जब आप चैनल बनाते हैं तो चैनल बनाने से पहले ही आप उसकी तैयारी किया करें। जैसा कि मेरा अभी एक अजीज दोस्त है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चैनल बनाने लगा है, तो मैंने उसे यही मशवरा दिया है कि पहले आप ग्राफिक्स की कुछ वीडियोस बना के रखो, थंबनेल बना के रखो, उसके बाद आप देखो कि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके हैं, उसका कंटेंट क्या है, वो किस तरह से समझा रहा है, किस तरह से बता रहा है। उसका थंबनेल देखो, जो टॉप पे 5 से 10 वीडियोस होती हैं आप उनको देखा करें कि जो कंटेंट आप दे रहे हैं हो सकता है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद हो, और इस वक्त तकरीबन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पे गूगल पे ना मौजूद हो। तो आप पहले वहाँ से देख लिया करें कि जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, गूगल पे क्या चल रहा है, उसके टॉपिक के बारे में थंबनेल आप देख लें कि कौन से थंबनेल बने हुए हैं, क्योंकि जब भी आपकी वीडियो पे क्लिक होता है तो वो आपके थंबनेल से क्लिक होता है। वीडियो के अंदर जितना भी मवाद है उससे देखने वाले को कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो आपका थंबनेल देखेगा। अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वीडियो में जितना भी मवाद है वो ज़ाया हो जाता है। आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव हो के देखने वाला उसको क्लिक करे, जिसको इंप्रेशन क्लिक्स कहते हैं। जो न्यू यूट्यूबर हैं, अक्सर उन लोगों को नहीं पता होता कि वीडियो बना के अपलोड कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती। वीडियो बनाते हो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल हो, ये चीज़ें यूट्यूब के लिए बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जब आप वाइट स्टूडियो डाउनलोड करेंगे उसमें आप देखेंगे आपको हर चीज़ की डिटेल मिलेगी कि आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, आपके इंप्रेशन क्लिक्स कितने हैं और कितनी देर आपकी वीडियो को देखा गया है। तो कोशिश करें पहले लंबा चौड़ा तारफ ना कराएं। मैं भी जब अपना मैंने चैनल बनाया तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर अपने चैनल का इंट्रोडक्शन कराता था, तो बाद में मुझे पता चला कि इतना लंबा आपको कोई भी नहीं जानना चाहता। जो बंदा भी क्लिक करेगा वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते ही आप पॉइंट पे आएं, लंबी चौड़ी बात ना करें। जिसको आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी, वो खुद सब्सक्राइब करेगा, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करें तो वो उस बंदे तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा मिन्नतें मसाजतें करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास मवाद इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि वो बंदा मजबूर हो जाए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ताकि उसको पता चले कि ये बंदा इंफॉर्मेटिव है, नॉलेज रखता है, दोबारा जब इसकी कोई वीडियो आए तो हम तक आनी चाहिए, तो तब वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। रिक्वेस्ट करने से, वास्ते देने से कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो कोशिश किया करें आपके चैनल में मवाद हो, आपकी वीडियो के अंदर बेहतरीन चीज़ें हों, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो चैनल बनाने से पहले या वीडियो अपलोड करने से पहले आपको चाहिए कि मतलब अभी मैंने अपने दोस्त को बताया कि आपने ग्राफिक का चैनल बनाना है, ठीक है, लेकिन आप उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में, जैसे ग्राफिक का इंट्रोडक्शन है, फलां फलां फलां,
कि उसमें कैसी एडिटिंग होती है ये वो। उस टॉपिक पे मैंने उसे कहा है कि 10 से 12 वीडियोस आप ऑलरेडी तैयार करके रखो, उनके बेहतरीन बेहतरीन थंबनेल तैयार करके रखो, उसके बाद आप अपलोड शुरू कर दो। एक वीडियो आज अपलोड करो, दूसरी कल करो, तीसरी कल परसों करो। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि वीडियो अपलोड करने की जो टाइमिंग है वो बहुत मायने रखती है। अगर आप फर्स्ट टाइम में मतलब मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें एकदम इतने व्यूज़ नहीं आते। जो पीक टाइम होता है वो शाम 5 बजे से लेके रात 12 1 बजे तक 2 बजे तक का टाइम होता है। उसके दौरान अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो फौरी जो है उस पर क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्लिक्स के लिए आप याद रखें थंबनेल अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो आपकी वीडियो पर क्लिक्स आएंगे, और जब वीडियो पर क्लिक आएगा तो आगे मवाद भी आपका उस तक पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा टैग्स, जो आप जिस मुतालिक का वीडियो बना रहे हैं उस तरह के आप टैग्स लगाएं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि न्यू YouTube चैनल वालों को ये काम करने चाहिए ये नहीं, तो आप जब लिखेंगे न्यू YouTube चैनल गूगल पे जाके जब लिखेंगे तो उसके नीचे जो चीज़ें आती हैं सर्चिंग लोगों ने की होती है, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट न्यू यूट्यूब चैनल, हाउ टू सेटिंग न्यू यूट्यूब चैनल, तो ये चीज़ें उधर खुद ही लिखी हुई आ जाती हैं। तो ये आप अपना हैशटैग बना सकते हैं, इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हैशटैग, थंबनेल और वीडियो के अंदर मवाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके अलावा किस टाइम आप अपलोड कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कंटेंट अपना एक रखें और कोशिश करें कि वो आपकी अपने जो है अपनी सलाहियत हो आपकी, ठीक है। कहीं से वीडियो उठा के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉपीराइट आ जाता है और फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका चैनल ज़ाया हो जाता है। और अगर स्ट्राइक आ जाए तो फिर तो आपका चैनल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कोशिश किया करें जब भी आप वीडियो बनाएं उससे पहले 1-2-3 उस मुतालिक वीडियो देख लें, थंबनेल अट्रैक्टिव सा बनाएं, और कोशिश किया करें जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं पहले उसको आप यूट्यूब पे विज़िट किया करें, और जो पहले 5 हाई रैंकिंग वीडियोज़ हैं उनको देखा करें कि उनके थंबनेल कैसे हैं, उनके अंदर मवाद क्या है, उसके बाद आप वीडियो बना के और टैग्स वगैरह लगा के वीडियो अपलोड करें तो आपका चैनल अच्छा ग्रोथ करेगा, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। मिन्नतें मसाजतें करने से कोई व्यूज़ नहीं आता, कोई सब्सक्राइब नहीं होता। उम्मीद है मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी चैनल बनाएं उससे पहले प्रॉपर तैयारी के साथ चैनल बनाएं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर दें तो और लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी मैं जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।